हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैग हर्षित में। आज के इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक पेज के कॉपीराइट रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप फेसबुक पर दूसरे का कंटेंट अपलोड करते हैं किसी और का, तो ऐसे में क्या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, और अगर आपके फेसबुक पेज पर कॉपीराइट आ जाता है ऐसे में उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप उसको हटा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बार बार किसी दूसरे का कॉन्टेंट डालते हैं अपने फेसबुक पेज पर और जिसका कंटेंट है वो बार बार कॉपीराइट अगर आपके फेसबुक पेज पर भेजता है, देन आपके फेसबुक पेज के साथ क्या क्या हो सकता है, जो चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई है। साथ ही साथ मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड आपके काम की होने वाली है। सोचिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि टैग हर्षित चैनल पर आपको फेसबुक पेज से रिलेटेड यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ में ऑनलाइन कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं वीडियोज यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। आइए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो कॉपीराइट पॉलिसी होती है वो ना सिर्फ फेसबुक तक लिमिटेड होती है बल्कि वो पूरे दुनिया में चलती है, है ना। जैसे ये बुक है तो इस बुक का भी एक कॉपीराइट है, कोई इसको खुद से पब्लिश नहीं कर सकता है और प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, समझ रहे हो। तो हर एक चीज़ का कॉपीराइट होता ही होता है दुनिया में, और ये पूरा लीगल लॉ है। चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह कॉपीराइट पॉलिसी होती ही होती है। अब जैसे कि आपने फेसबुक पेज बनाया, उस पर आप किसी दूसरे बंदे की वीडियो डालते हैं, मान लो मेरी वीडियो आप अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करते हो, ऐसे में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो मेरा है अपलोड, आप अपने फेसबुक पेज पर कर रहे हो, क्या होगा ऐसे में, आप क्या सोच रहे हैं, आपका फेसबुक पेज बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहें तो किसी की भी वीडियो उठा के अपने फेसबुक पेज पर डालें, कुछ नहीं होगा आपके फेसबुक पेज को तब तक नहीं होगा कुछ, जब तक कि जिस बंदे का आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो वो फेसबुक को रिपोर्ट नहीं करता, तब तक आपके फेसबुक पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से आपका फेसबुक पेज चलता रहेगा। मान लो कि आपने मेरा कंटेंट अपने फेसबुक पेज पर डाला, ठीक है, आप डाल रहे, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि आपने अपने फेसबुक पेज पर डाला कि नहीं, मुझे नहीं पता भाई डाला कि नहीं, है ना। तो कुछ नहीं होगा, डालते रहो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मेरे को पता चल गया कि भैया आप मेरा कंटेंट अपने फेसबुक पेज पर डाल रहे हो और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम हुई, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो या कोई भी मेरी चीज अपने फेसबुक पेज पर डालो, है ना, और आप उसके बावजूद डालते जा रहे हो, फेसबुक पेज पर डालते जा रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा, मैं चाहता हूँ कि यार ये हटे, ये मेरा कंटेंट है, आप अपने फेसबुक पेज पर क्यों अपलोड कर रहे हो, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये एक फॉर्म होता है, इसको मैं फिल कर दूंगा और फेसबुक को सबमिट कर दूंगा। ऐसे में फेसबुक फिर क्या करेगा, आपका जो फिर वो जो वीडियो होगा ना कॉपीराइटेड, उसको चेक करेगा कि बाकी में वीडियो किसी और का है कि नहीं, है ना, और अगर वो प्रूफ हो जाता है कि वो वीडियो आपका नहीं है, मेरा है, ऐसे में वो वीडियो जो होगी आपको डिलीट कर दी जाएगी, साथ में आपको ईमेल मिल जाएगा, उसमें रीजन वगैरह सब कुछ लिखा होगा, वीडियो वो हटा दी जाएगी, ठीक है। ये कैसे हुआ, जब मैंने फेसबुक को रिपोर्ट किया कि भैया मेरा कॉन्टेंट ये बंदा अपलोड कर रहा है, इसको हटाओ, इसके राइट्स मेरे पास हैं, तब मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया फॉर्म कैसा होता है ना। ये काम ऐसे होता है, अब मान लो आपके फेसबुक पेज पर कॉपीराइट आ गया, है ना, वो वीडियो हट गई, अब आप बड़े परेशान हो, भैया आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। देखो, इसके दो ऑप्शन हैं आपके पास। पहला क्या है कि जैसे जिस बंदे ने कॉपीराइट आपको भेजा है फेसबुक पर, जिसका कॉन्टेंट है, आप उसको कॉन्टैक्ट करो, ईमेल एड्रेस वगैरह आपको ईमेल पर मिल जाएगा, जब आपके फेसबुक पेज पर कॉपीराइट आएगा उसको बोलो कि भैया हम गलती होगी, अपनी स्ट्राइक वापस ले लो, है ना। तो जब वो कॉपीराइट वापस ले लेगा अपना, तो ऐसे में आपके फेसबुक पेज से कॉपीराइट हट जाएगा एंड वो वीडियो भी रिस्टोर हो जाएगा, बाद में आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ही हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मान लो आपने किसी दूसरे का कंटेंट नहीं डाला, वो आपका ही कंटेंट है, उसके बावजूद आपके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, है ना, या फिर एक फेयर यूज नाम की चीज होती है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी दूसरे का थोड़ा बहुत कंटेंट यूज करते हो, बाकी आपका ही कंटेंट होता है, जैसे हंसी मजाक के लिए या फिर कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए आपने किसी का थोड़ा सा कंटेंट यूज कर लिया, वो फेयर यूज में आता है, वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं बनता। लेकिन बाई दफे उसके बावजूद आपके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, ऐसे में जब आपको ईमेल मिलेगा कॉपीराइट का, वहीं पर आपको एक फॉर्म मिलेगा अपील वाला, उसको हम काउंटर नोटिफिकेशन बोलते हैं, उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जिस बंदे ने आपको कॉपीराइट भेजा है उसके पास चला जाएगा वो चीज़, और फेसबुक उससे पूछेगा कि भैया कहाँ से राइट्स हैं आपके इस कंटेंट पे, ये फेयर यूज़ में आता है, है ना, और अगर आप सही हो गए वो फेयर यूज़ में आता होगा, तो ऐसे में वो कॉपीराइट हट जाएगा एंड आपका वीडियो वापस आ जाएगा। दो ऑप्शन है कॉपीराइट हटाने के, पहला काउंटर नोटिफिकेशन,
वहीं मिल जाएगा आपको जब ईमेल आएगा तब। सेकंड ऑप्शन है, जिसने आपको कॉपीराइट भेजा है वो बंदा फेसबुक को बोले कि भैया वापस ले लो ये कॉपीराइट, है ना, तो कॉपीराइट हट जाएगा। एक बात और, अगर आप अपने फेसबुक पेज पर बार बार किसी और का कंटेंट डाल रहे हैं और वो रिपोर्ट करता जा रहा कि भैया ये मेरा कंटेंट है, मेरा कंटेंट है, और फेसबुक हटाता जा रहा वीडियो बार बार जब आप करते हो ये चीज़, ऐसे में आपका जो फेसबुक पेज है वो डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, बंद हो जाएगा भाई। बार जब कोई बंदा मना कर रहा है कि ये मेरा कंटेंट मत डालो आप, मैं कॉपीराइट भेज दूंगा आपको फेसबुक पेज पर, लेकिन उसके बावजूद आप डालते जा रहे हैं, तो अगर उसने बहुत बार रिपोर्ट कर दिया आपके फेसबुक पेज को, है ना, जो वीडियोज आप उसके अपलोड कर रहे हो वो, तो बहुत सारे कॉपीराइट आएंगे आपके फेसबुक पेज पर, है ना, आपको बहुत सारे ईमेल्स मिल जाएंगे कॉपीराइट, एंड ऐसे में आपका फेसबुक पेज बंद हो जाएगा। क्या जो फेसबुक पेज बंद हो गया एक बार दोबारा चालू हो सकता है? हो सकता है। जिसका कंटेंट आपने यूज़ किया, जिसने कॉपीराइट भेजा है आपको, अगर वो फेसबुक को बोले कि भैया ये कॉपीराइट हटा दो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरा कंटेंट है पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे में फेसबुक क्या करेगा, वो जो कॉपीराइट होगा वो वापस हो जाएगा एंड आपका फेसबुक पेज वापस आ जाएगा। हर एक चीज़ मैंने आपको विद प्रूफ दिखाई, जो फेसबुक के रूल्स हैं हर एक चीज़ मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाई इस वीडियो में। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला होगा यार, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। टैग हर्षित चैनल को आपको सपोर्ट करना है, मैं इतना गारंटी देता हूँ, आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूंगा यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें, यूट्यूब पर व्यूज कैसे लाएं, ऑनलाइन पैसे कैसे आप कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस, एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर से दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।